सभी लोगों को मिलिंद वैद्य का नमस्कार। आज मैं एक इशू आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नाला सोपारा में रहता हूँ। 3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश है। इतना पानी भर गया था कल, मैं आपको इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। इतना पानी भर गया था हर जगह पे, रोड पे 4-4 फीट तक का पानी था। 3 दिन से सब लोग घर में है, ट्रेन लोकल ट्रेन बंद हो गए थे। और सबसे बड़ी मेन बात है कि यहाँ पे फैसिलिटी के हिसाब से आज हम जिस यहाँ पे रह रहे हैं, जिस सदी में रह रहे हैं, वहाँ पे भी एक गांव से भी बदतर हालत हमारी हो गई है। यहाँ पे 3 दिन से ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, और इतने बड़े बड़े जो वादे करते हैं, जो बड़े बड़े मोबाइल सर्वाइवर सप्लायर्स है, जो मोबाइल प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, डोकोमो है, ये सारे के सारे नेटवर्क 2 दिन से कम्प्लीटली बंद है। किसी का फोन लग नहीं रहा है। सारे के सारे लोग यहाँ पे जो है, मेरे दोस्त भी है यहाँ पे काफ़ी, जो टोटली डिसकनेक्ट हो गए बॉम्बे से, उनके ऑफिस से वहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है उनका, ना मैसेज पहुँचा सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना किसी को न्यूज़ दे सकते हैं कि वो कैसे है। तो यहाँ पे 3 दिन से सब सफ़र कर रहे हैं। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो गया, लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, और बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं हमारे दोस्तों से मिलाता हूँ, देखते हैं उनका क्या बोलना है। हेलो, बोलो। कितने दिन से आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, और ये लोग भी आपको बताएंगे, ये भी ऑफिस छोड़ के 3 दिन से घर पे बैठे हुए, ना ऑफिस में मैसेज पहुंचा सकते हैं, ना किसी को बोल सकते हैं कि वो सही से, उनके फैमिली मेंबर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ये प्रतीक है, अभिषेक है, ये सारे मेरे फ्रेंड्स है, हम सब के सब घर में बैठे हुए 3 दिन से। लास्ट 2 डे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एयरटेल वोडाफोन कोई भी ऑपरेटर हो, किसी का भी कोई प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। शॉप्स में मिल्क की शॉर्टेज, प्रॉपर वाटर नहीं है, काफी लाइफ एकदम हेल बन गई है लास्ट 3 डेज से। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम टाइम पे मोबाइल का बिल भरते हैं, टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, टाइम पे हर चीज, हर टैक्सेस भरते हैं, फिर भी 3 दिन से हम लोग यहाँ पे सब लोग सफर कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है। हम 2 दिन से 48 आवर्स से ऊपर हो गया इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना इंटरनेट है, ना कॉलिंग जा रहा है, ना किसी को पता नहीं है, कि हमारे फैमिली को नहीं पता है कि हम किस पोजिशन में। आप आगे देखिए, मैं जो आपको वीडियोस बताता हूँ, कल के जो वीडियो है नाला सोपारा में जो पानी भर गया था वो, और फिर आप ही डिसाइड कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके तक ये पहुंचे, और उनको पता चले कि किस तरह से सर्विस देना है उनको। थैंक यू।
सर तो ये हो गया ना, आज ये तीसरा दिन है सर, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो? प्रॉब्लम बत्ती जल गई, अभी बत्ती आ गई, इसलिए तालियां बजा रहा है, डोरों बन रहा है। क्या बताए सर, प्रशासन सो गए, एमएसडी भी सोए थे, अभी वो जाग गए, अभी लाइट दे दिया उन्होंने। साला 50 रुपये, साला टमाटर का भाव 90 रुपये तक लेके गई थी पब्लिक, पानी 90 रुपये, हर चीज महंगी कर दी है 2-3 दिन में। और 3 दिन तक शायद आपका फोन का नेटवर्क भी नहीं था, राइट? नेटवर्क की तो कचरा हो रहा है, ऐसा लग रहा था आतंकवादी हम लोग है, घर में बंद कर दिया हम लोगों को, जेल बना दिया था घर को ही। नीचे उतरे तो भी साला समंदर लग रहा था, क्या क्या परेशानी हो गई, किस चीज़ को बताए, कोई पूछने के लिए भी नहीं आया। 50 साल सो गया है, यही अच्छे दिन है। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि पिछले 3 दिनों में नालासोपारा के नागरिकों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। मुझे पता है कि बारिश और कुदरत पे किसी का कंट्रोल नहीं है, बट क्या जिस मॉडर्न एरा में हम जी रहे हैं, वहाँ थोड़ी कोशिश करके इन मुश्किलों को थोड़ा कम नहीं किया जा सकता था? हर साल क्या हम इसी तरह अपने घुटने टेक कर अपनी मुश्किलों को हंसी में बदल के जीते रहेंगे? बड़े बड़े वादे करने वाले सो कॉल्ड मोबाइल नेटवर्क्स, जो कहते हैं कि पूरे देश में वो सबसे स्ट्रांग है, उनमें से कोई भी नेटवर्क से 2 दिनों तक एक कॉल भी नहीं लग रहा था। हमारे फैमिली मेंबर्स को इतना मैसेज भी नहीं दे पाए कि हम जिंदा है और सेफ है। आम आदमी घर में रोट बाद में पकाता है, बट पहले सारे टैक्सेस, और वो भी टाइम पर। तो दोस्तों, मैं इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं करता कि भले ही कुदरत की तरफ से ये मुश्किलें आई है, बट हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोशिश की जाए तो इन तकलीफ़ों को थोड़ा कम किया जा सकता है, अगर पहले से प्रिकॉशंस लिए जाए और आने वाले जो तकलीफ़ें हैं, जो हर साल ये तकलीफ़ आती है, इनके बारे में थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली और थोड़ा इफ़ेक्टिवली सोच के अगर पहले से प्रिपरेशंस की जाए तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होंगे, बट हाँ, कुछ हद तक रिलीफ रहेगी, कुछ हद तक हम इससे टैकल कर पाएंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो में मुझे दिखाना था कि हम नालासोपारा के रेसिडेंट्स ने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, और अगर आपको मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई लग रही है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उन लोगों तक पहुंचे और आने वाले दिनों में हमें बदलाव और सही मायने में अच्छे दिन देखने मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।